सो वेलकम बैक। देखिए दोस्तों, अगर आप हरियाणा से हो तो आपको बात पता होगी कि हरियाणा के अंदर अभी फैमिली आईडी के द्वारा राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं और अभी फिलहाल बीपीएल राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे वाले राशन कार्ड। यहाँ पर दोस्तों दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को मैसेज डाला है मोबाइल के माध्यम से और उस मैसेज में लिखा हुआ है कि भाई आपका जो राशन कार्ड है वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है, मतलब आप गरीबी रेखा से ऊपर हो, इस वजह से आपका जो राशन कार्ड पहले से चल रहा था गरीबी रेखा नीचे वाला बीपीएल वाला वो रिजेक्ट हो गया है। या दोस्तों हो सकता है आपके पास राशन कार्ड ना हो और आपका नया राशन कार्ड बनने वाला हो, पर क्योंकि मैसेज आपके पास आ गया है तो आपका राशन कार्ड नहीं बन पाएगा बीपीएल वाला। ठीक है, अब आप परेशान हो, अब आप सोच रहे हो भाई बात क्या है, किस वजह से जो गवर्नमेंट है वो ऐसा कर रही है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बात बताऊंगा कि किस वजह से गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही है कि भाई कौन गरीबी रेखा से नीचे है कौन गरीबी रेखा से ऊपर है। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जिसके हिसाब से आपका जो नाम है या तो नाम काटा जा रहा है या फिर आपका नाम नहीं आ रहा राशन कार्ड की लिस्ट में। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों जो रीजन है वो ये है, अगर आपके परिवार के किसी भी सदस्य ने पिछले 3 साल में ITR भरी है, मतलब अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है 180,000 रुपये से ज़्यादा का, परिवार के किसी भी सदस्य ने, चाहे वो फैमिली हेड हो चाहे वो फैमिली का मेंबर हो, किसी ने भी अगर 180,000 रुपये से ज़्यादा का इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरी है, तो फिर आप गरीबी रेखा से नीचे नहीं हो, उस केस में आपका राशन कार्ड नहीं बन पाएगा। अगर पहले से बना हुआ है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दोस्तों जो कारण है वो ये है, बिजली बिल को लेकर, अगर आपके परिवार ने 9,000 रुपये से अधिक वार्षिक बिजली का भुगतान किया है तो भी आप गरीबी रेखा से नीचे नहीं हो। ठीक है, तीसरा दोस्तों कारण है एम्प्लॉय का, यानी कि आप जो काम करते हो आपकी जो नौकरी है, अगर परिवार के किसी भी सदस्य की नौकरी सरकारी नौकरी है तो भी आपका बीपीएल राशन कार्ड नहीं बन पाएगा। ठीक है, चौथा दोस्तों कारण है फार्मर को लेकर, अगर आप किसान हो या आपके परिवार का कोई भी सदस्य किसान है और किसान से जो आपकी आमदनी होती है खेती करके, वो आमदनी अगर 1,80,000 रुपये ज़्यादा की होती है तो भी आप बीपीएल कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट है बात कर लेते हैं, लेबर को लेकर दोस्तों, अगर आप कहीं पर मतलब हेल्पर ही करते हो, दिहाड़ी मजदूरी करते हो और आप के पास श्रम कार्ड है या आपकी जो इनकम है वो 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है तो भी आप बीपीएल कैटेगरी में नहीं आते। छठा पॉइंट दोस्तों है पेंशनर के लिए, अगर आपको पेंशन मिलती है और पेंशन से जो आपकी आमदनी होती है, मतलब जो पेंशन आपको मिलती है साल की, वो 1,80,000 रुपये से ज़्यादा की है तो भी आप बीपीएल कैटेगरी में नहीं आते। इसके अलावा सातवां पॉइंट है प्रॉपर्टी को लेकर, अगर आपकी शहर में प्रॉपर्टी है, आपका मतलब दोस्तों परिवार के किसी भी सदस्य की या फैमिली हेड की, परिवार के किसी भी सदस्य की अगर शहर में 100 गज से ज़्यादा का प्लॉट है या संपत्ति है जो भी है तो आप गरीबी रेखा से ऊपर आते हो, नीचे नहीं आते। ठीक है, गांव की बात करें तो अगर आपके पास 200 वर्ग गज से ज़्यादा की संपत्ति है तो भी आप गरीबी रेखा की कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 पॉइंट हैं, अगर आपको ये सारे पॉइंट पढ़ने हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, जाके आप पढ़ सकते हो सारे के सारे पॉइंट। और दोस्तों आपको क्या लगता है, आप किस वजह से नाम कटा है, अगर आपका इनमें से कुछ भी आपकी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आपका नाम कट गया तो आप कमेंट कर देना ताकि और लोगों को पता चल सके कि बात क्या है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में ख़त्म करता हूँ, थैंक यू वेरी मच।